हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कमिंग 3 डेज़ के लिए ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को देखने के बाद कमिंग 3 डेज़ में क्या आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और आपके लिए क्या वार्निंग्स हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी ये रीडिंग देखेगा या देखेगी आने वाले समय में, प्लीज़ गाइड करें उनके लिए आने वाले 3 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स कमिंग 3 डेज़। ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स इन कमिंग 3 डेज़। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। We have 9 of Swords, Page of Pentacles, 6 of Cups, 7 of Swords, Death and Ace of Swords. Okay, तो coming 3 days, पहले मैं love life के बारे में बताऊँगी, फिर career के बारे में बताऊँगी और फिर family से related बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि लव लाइफ में क्या होने वाला है कमिंग 3 डेज़ के अंदर, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं लव लाइफ में। मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, पुराने ज़ख्म बाहर आ सकते हैं, या आपके पर्सन की तरफ से पुरानी मेमोरीज़ बाहर आ सकती हैं, और आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेजेस आ सकते हैं जो कि बहुत पुराने तरीके से, जैसे होता ना कि पहले जब नया नया रिलेशनशिप हुआ था तब कैसे वो आपको चेज़ करते थे या करती थी, आपको गिफ्ट देते थे या आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते थे, उस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के साथ इन जनरल ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स आपकी लाइफ में आ जाए रिटर्न, मतलब आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं या वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप दोनों में सिर्फ अभी यादें हैं, बाकी चीज़ें अभी ख़त्म चल रही हैं, लेकिन सडनली कोई पीछे से उठ के आपके लाइफ में वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए और आपको शॉक कर दे। इसके अलावा लव लाइफ में आपको किसी न किसी तरीके का जेस्चर रिसीव हो सकता है जिस पर्सन को आप प्यार करते हैं उनकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड स्लीपलेस नाइट सफरिंग की भी एनर्जी है। किसी बात का रियलाइजेशन या किसी बात की गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है कमिंग 3 डेज़ के अंदर। कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने भी आ सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी भी चीज़ें आपको सामना करना पड़ सकता है जिन चीज़ों से आपके पर्सन डर रहे थे आपको बताने से, या पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो मैं बता दूं कि आपकी लव लाइफ में किसी बहुत ही हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की या लड़के की एंट्री होने वाली है अगर आप सिंगल हैं तो। बात करें इन जनरल फैमिली लाइफ और इन जनरल, तो यहाँ पर करियर की बात करें तो करियर में कोई मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, या तो आप कुछ नया शुरू करेंगे या तो कोई जॉब चेंज कर सकते हैं, बिज़नेस में कोई अदर बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बंद करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं विद समथिंग डिफरेंट आइडिया, कुछ डिफरेंट आइडिया से रिलेटेड आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। इसके अलावा अगर बात करें फैमिली लाइफ से रिलेटेड या इन जनरल, तो कुछ लोगों का कोई सामान चोरी हो सकता है तो आपके लिए ये एक वार्निंग है। कुछ लोगों से धोखा मिलने के चांसेस हैं किसी बिजनेस में या किसी फील्ड में, पैसे से रिलेटेड धोखा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है चोरी और धोखे से। इसके अलावा कोई बैड न्यूज़ कुछ लोगों को रिसीव हो सकती है किसी रिश्तेदार से रिलेटेड या किसी तरह की एंडिंग से रिलेटेड, जैसे किसी की डेथ हो गई या किसी की डेथ में आप सम्मिलित हुए, कुछ इस तरह की, या किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, आप किसी से मिलने हॉस्पिटल गए, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों ने अगर इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कहीं पे, आपने कहीं फॉर्म भरा हुआ है, आपने इंटरव्यू दिया है, तो मैं बता दूँ कि आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये ब्लेसिंग्स एंड वार्निंग्स फ़िलहाल 3 डेज़ की मैंने ली हैं, और ऐसी रीडिंग मैं आपके लिए अक्सर लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम करियर से रिलेटेड रीडिंग भी कर दिया करो या इन जनरल भी बता दिया करो, तो मैं आपके लिए वीकली ये रीडिंग लेकर आऊँगी। सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो और आने वाले 3 दिन के अंदर इनमें से भगवान करे जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपसे रेजोनेट करें, और जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।